और जो हमें क्या जो थी अनुवाद जी ने मार्केट फॉर्म कॉन्सेप्ट पे भी उन्होंने लाया है मार्केट क्या कहना चाहेंगे हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शेफर पाल है और मैं एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली मेरी एक क्लोज फ्रेंड है गुरविंदर जी, उनके लिए आया हूँ। उन्होंने अपना एनजीओ लॉन्च किया है और वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने एनजीओ के लिए कर रही हैं और गर्ल चाइल्ड के लिए कर रही हैं, और मैं भी खुद गर्ल चाइल्ड के लिए काफ़ी कुछ करता हूँ। और मेरी मुलाकात उनसे काफ़ी पहले हुई थी एक शो के दौरान, और उसके बाद उनकी मैं ग्रोथ स्टोरी देख रहा हूँ कि वो काफ़ी कुछ यूके में कर रही हैं और अपने हेयर डोनेट किए, मुझे पता है उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो जब भी ऐसे मुझे भी मौके मिलते हैं तो मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और जो पिनाकल अवार्ड्स हैं ये एक ज़रिया है टू रीच आउट टू दिस सोसाइटी, और जहाँ पे कुछ कुछ अच्छा काम करेंगे, और यही है हमारी गुरविंदर जी। थैंक यू सो मच, और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर एवरी वन इज़ डूइंग फ्रॉम मा टू मॉम, आई कंग्रेचुलेट एवरी वन। आज हम लोग यहाँ पर एक लॉन्च कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नाम की चीज़ जो है वो करना, अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर स्पेशली स्टिल एक टैबू मानी जाती है, लोग इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, जबकि मेंटल अवेयरनेस के लिए करने के लिए एक बहुत चैलेंजिंग एक टॉपिक है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को हम लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें देखकर अपने घर से बाहर निकल पाएंगे, अपने शेल से बाहर निकल पाएंगे। उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में जानने की, स्पेशली सोसाइटी को ज़रूरत है। ये कोई बीमारी नहीं है, मेंटल इलनेस जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो हर किसी की लाइफ के अंदर एक फेज़ होता है जो टेम्पररी होता है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, जिसको प्यार की ज़रूरत होती है, और वो प्यार सिर्फ फैमिली दे सकती है। अगर फैमिली उस टाइम पे उन लोगों को निग्लेक्ट कर देगी कि आप बीमार हो, तो वो ऐसी चीज़ है वो बढ़ती जाएगी। तो हम लोग सिर्फ एक अवेयरनेस कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, यूके का प्रोजेक्ट है कॉल्ड आई एम वॉरियर। हर औरत हर आदमी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों से जूझता है, बट उससे निकल के बाहर कैसे आता है, उसके अंदर का जो एक वॉरियर है वो कैसे बाहर आता है। तो ये कैंपेन है यूके की कॉल्ड आई एम वॉरियर, उसका लॉन्च हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं माटू मॉम के साथ इन एसोसिएशन, एंड ऑफकोर्स मैं एक एडमिन मेंबर भी हूँ, इसलिए हम लोग इसको और एक अगले स्टेप पर लेके जाना चाहते थे। उसका लॉन्च अभी नीचे होगा, आप वो एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे एक इंसान कितने सारे थॉट प्रोसेस के साथ जूझता है, बट उस चीज़ से बाहर कैसे निकलता है, और अगर हम लोग बाहर निकल आए हैं उस चीज़ से, तो हम लोग बाकी लोगों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ये एक ऐसा जरिया है कि हाथ पकड़ते जाओ और चलते जाओ, राधर देन एक दूसरे को पीछे छोड़ते जाओ तो कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग। तो ये वही हमारा एक मुहिम है जिसको हम इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं मुंबई में, दैट टू बी विद मार्टिन मॉम। एंड वी वुड लाइक टू थैंक शेफर पाल, मैंने एक फ़ोन किया एंड ही वॉज सो वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ मुंबई के अंदर होने जा रहा है, एंड वो अवेलेबल थे अपना इतना बिजी शेड्यूल निकाल कर अगर वो हमारे लिए आए हैं, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू शेफ। एंड एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये जो नमक शमक मैं करता हूं, मैं ये डायलॉग एक्चुअली डेडिकेट करता हूं अपनी मॉम को, क्योंकि मैं अक्सर उनके बारे में सोचता था कि वो कैसे 365 दिन इतने रिलीजियसली खाना बनाती हैं, उनके चेहरे पे हंसी, और वो भी खाना हर बार अच्छा बनना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पर बनना चाहिए। तो जब मैंने टेलीविज़न की शुरुआत की तो हमेशा से माँ का चेहरा जो है मेरे सामने होता था, और जैसे गुरविंदर जी ने बताया कि एक गृहिणी कैसे कुछ करती है, और एज मतलब होने के बाद वो जब ये काम से हटती हैं तो फिर कैसा उनके ऊपर परिवार कैसा बर्ताव करता है। तो एक्चुअली ये डेडिकेट मैं अपने मॉम को किया था मैंने, कि और सभी मॉम्स के लिए, क्योंकि घर पे जब आप अकेले खाना बनाते हैं तो बड़ा बोरियत सा काम होता है ऑनेस्टली, और तब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, एक एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ हर खाने में नमक तो थोड़ा सा डलता ही है, इसलिए मैंने अपने एंगल से वो किया है कि थोड़ा सा एक जुमला बन जाए तो आप
वो गाते हुए आप घर पे खाना बनाएं और कहें नमक चमक डाल देते हैं, तो एक चेहरे पे हंसी आ जाती है, वो पल भर में वो जो थकान होती है वो भाग जाती है। और ये एक्चुअली सैल्यूट टू ऑल मॉम्स जो इतना डेडिकेटेडली काम करती हैं 365 दिन, शायद ही कोई इंसान, मैं तो नहीं समझ पाता हूँ कि कोई भी मेल मेंबर कर पाएगा, आई डाउट अबाउट इट, बिकॉज दोनों ही काम करते हैं, लेकिन सातवें दिन मेल मेंबर को हॉलीडे चाहिए होता है, क्योंकि ही थिंक्स दैट, आई थिंक ऑल्सो बिकॉज कि हम छः दिन काम करते हैं, बट वी फॉरगेट दैट कोई छः दिन और भी घर पे काम करता है तो उन्हें भी रेस्ट चाहिए होता है, तो सातवें दिन वी स्टिल मेक देम वर्क। डोंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, शेफ ने बहुत ही बढ़िया बोला, आप एक सिंपल सी चीज़ जानिए, हम शेफ हैं, हम जानते हैं किसी भी खाने के अंदर अगर नमक प्रॉपर ना हो तो उसका स्वाद बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी गड़बड़ है, अगर कम हो जाएगा तो भी गड़बड़ है। तो एक जो लेडी है या कोई भी इंसान है वो कितना एफर्ट डालता है हर चीज़ में, हर रिलेशन में, हर काम में, कि एक छोटी सी एक वो चुटकी नमक की भी अगर कम होगी तो वो उतना टेस्ट नहीं, उतना एफर्ट नहीं आ पाएगा। माटू मॉम का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी भी मॉम्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करें, सपोर्ट करें एंड एम्पावर करें। हमारी माटू मॉम की जो फाउंडर है वो यहाँ पर है, ज्योति अग्रवाल, सो आई वुड लाइक टू कॉल ज्योति अग्रवाल, ज्योति नो लिटिल बिट मोर कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, क्या कोलैबोरेशन है इनका आई एम वॉरियर के साथ। मेरा पहली चीज़ तो काम तो ऐसा है कि बस हम सपनों पे काम करते हैं, तो मेरा सपना है कि सबका सपना पूरा हो, सो आई वर्क फॉर द ड्रीम ऑफ मदर्स, द ड्रीम ऑफ वुमेन, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो वो जो एक जो चाह जो छूट जाती है जब आप मदर बन जाते हो, आपको लगता है आपके सारे शौक, आपकी जो सारी हसरतें हैं वो कहीं ख़त्म हो गई हैं, उसको हम थोड़ा कुरेदते हैं एक्चुअली। तो आप अच्छा खाना बनाते हो या आप अच्छी ड्राॅइंग करते हो या आप अच्छा काम कर सकते हो, तो हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं ताकि आप अपने सपने हमारे सपोर्ट के साथ बिना डरे निडर होके पूरे कर सको। और अब ऐसे लोग पहुँचते हैं तो वो सोने पे सुखादा हो जाता है, एंड इट्स रियली रियली वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू शेफ हरपाल, एंड वी आर पीपल कंप्लेनिंग यस्टरडे नाइट दैट व्हाई द शेफ हरपाल पोस्टर्स कम नाउ, आई डिडंट बुक माय टिकट्स, आई सेड बिकॉज़ ही कंफर्मड टुडे एंड दैट्स व्हाई द पोस्टर्स टुडे, सो यू हैव सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग अमंग द मदर्स, इट्स अ मदर ओनली ग्रुप, सो सारी मॉम शेफ इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, खुश है, एंड हम लोग और Yes. It's close the news very soon. And thank you very much, all of you. Thank you, everybody. Thank you.